संयुक्त अरब अमीरात विच काम करन वाले लखां भारतीयां लई चंगी खबर है। दुबई दी हवाई सेवावां प्रदान करन वाली कंपनी अमीरात एयरलाइंस ने 23 जून तो भारत तो उड़ाना फिर तो शुरू करन दा ऐलान कीता। उड़ाना विच नियमां च बदलाव मगरों दुबई दी आफत प्रबंधन कमेटी ने कोरोना वैक्सीन लगवा चुके भारतीयां नूं यूएई विच अपने घर आउण दी आग्या दे दित्ती है। भारत तों इलावा दक्षिणी अफ्रीका ते नाइजीरिया दे लोकां नूं इसदी मंजूरी दित्ती गई है। अमीरात एयरलाइंस ने एक बयान विच कहा कि उह भारत तों यात्रियां नूं आग्या दित्ते जाण दे फैसले दा स्वागत करती है। कंपनी ने कहा कि प्रोटोकॉल दा पालन करते हुए 23 जून तो यात्री उड़ाना दी शुरुआत करन जा रही है। इस तो पहला यूएई ने बीते 24 अप्रैल नूं कोरोना महामारी नूं देखते हुए भारत तो यात्रियों दे आउण ते रोक लगा दित्ती सी। इस ताज़ा घटनाक्रम नाल यूएई विच काम कर रहे लखां भारतीयों नूं वड्डी राहत मिली है। इस पाबंदी कारण वड्डी गिणती विच कामे खास करके हेल्थ सैक्टर विच काम करन वाले लोग भारत विच फसे हुए सन। अजिहे भारती कामे हुण यूएई वापस आ सकणगे। हालांकि भारत तों आउण वाले यात्रियों लई कुछ नियम बनाए गए हन क्योंकि उन्हां नूं सिर्फ ही भारतीयों नूं आउण दी आग्या दित्ती जाएगी जिन्हां ने यूएई विच मानता प्राप्त कोरोना वैक्सीन लगवाई होवे। भारतीय नागरिकां नूं जहाज चढ़न तों 48 घंटे पहलां करवाई गई नैगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाउणी होवेगी। इस विच यूएई दे नागरिकां नूं छूट दित्ती गई है। सिर्फ QR कोड वाले PCR टेस्ट रिजल्ट सर्टिफिकेट ही स्वीकार किए जाएंगे। सारे यात्रियों नूं यात्रा तो 4 घंटे पहलां रैपिड PCR टेस्ट करवाना होवेगा। दुबई एयरपोर्ट ते उतरन मगरों सारे यात्रियों नूं लाजमी तौर पर PCR टेस्ट करवाना होवेगा। यात्रियों नूं PCR टेस्ट का रिजल्ट आने तक संस्थागत क्वारंटाइन च जाना होवेगा। इस विच लगभग 24 घंटे का समा लग सकता है।